क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है, और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है, मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है, और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं, रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओ, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओ, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओ नहीं, ओ नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओ चलो, मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आँखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को यह जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते, बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्कशेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है, तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंजे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्कशेक है और मैं क्या करूँ? यह सही है, यह मेरा फ्रिज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो, मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े, और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा, चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया, और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है, हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी, भयानक। वाह, क्या ये चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वह इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और, मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो, इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? यह रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है, बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कलिनरी मास्टरपीस के लिए एक मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, यह बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं, मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ, मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियाँ चाटने लायक है, यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, यह अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत,
नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो, अरे नहीं नहीं मत करो, मैं ठीक हूँ, मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यह क्या है? वाओ, स्कल पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यह क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा, चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया, प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है, उसने क्या बनाया है? वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह, मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए, मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही है। मुझे लेगो क्रेन मिल गया, मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं बहुत जोरदार, लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है, मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत, जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है, क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। गिर गया, खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है, चलो अभी इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा, यह सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं है। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ, मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है, मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए, क्या आप संभाल लेंगे? ओह, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में खुद सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं, जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे।
लेकिन किंडर सरप्राइज या कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। या मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं, मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे, अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया, तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो, एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो, तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं, उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूँ? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी, ठीक हो जाएगा। तुम कितने आशावादी हो, इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा, ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं, बहुत मीठा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे, अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो तो हम शुरू करें। लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाओ, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे, और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया, बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट, बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ, वो पक्का अच्छा होगा। ओह यह बहुत भारी है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह यह यहाँ है। बिल्कुल सही, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10,00,000 लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो, इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह यह केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह यह मैं जानती हूँ, मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे, लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक, आसान। मुझे कुछ केले चाहिए, छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छे तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास असली, हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो है ना यह अच्छा। वाह दादी, क्या रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए, मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ, यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं, एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है।
क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा, इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है? है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे अरे नहीं, दादी गिर रही है, पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल दो को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप, यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा, दादी की तरह लग रहा है। और इसका स्वाद भी दादी की तरह है। स्वादिष्ट बनाना पाई जीत गया।